तो पहली बात तो मैं एक बात को तस्लीम ही नहीं करता कि भारत ने कोई मुज़ाकरात की दावत दी होगी। भारत की पॉलिसी एक जगह स्टैग्नेंट है, एक तालाब। हे व्हाट्सअप गाइस, हम फिर वापस आ गए आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो का मेन हिस्सा देखने के लिए आप वीडियो सीधा एक मिनट स्किप करके स्टार्ट करें और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों पाकिस्तानी प्रवक्ता मोईद यूसुफ, जो इमरान खान के पर्सनल एडवाइज़र हैं, उन्होंने करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में एक दावा किया था कि भारत बैकडोर डिप्लोमेसी के द्वारा पाकिस्तान के साथ सारे संबंध सही करना चाहता है, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ बोल दिया कि ये सब बातें झूठी है, पाकिस्तान मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, भारत ऐसा कुछ नहीं करना चाहता है। जिसके बाद मोईद यूसुफ का पाकिस्तानी मीडिया में एक इंटरव्यू आया। आप देखेंगे मोईद यूसुफ कितना कन्फ्यूज़न का शिकार है इस वीडियो में, आप देखेंगे मोईद यूसुफ कैसे कन्फ्यूज़न भरे आंसर दे रहे हैं एंकर के सवालों का। और पाकिस्तान ने एक ब्लेम लगाया है भारत पर कि जो पाकिस्तान में आपको याद होगा आर्मी पब्लिक स्कूल पर एक अटैक हुआ था, उसके पीछे भारत का हाथ है। हालांकि पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है पाकिस्तानियों का तो ऐसा सोचना है कि हर चीज़ भारत करा रहा है जब से पाकिस्तान बना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की ओर बढ़ते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा जोर दिया है कि डॉक्टर मोईद यूसुफ ने जो ये कहा था कि हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को ऑफर हुई है बातचीत करने की, ऐसी कोई ऑफर जो है हिंदुस्तान की तरफ से नहीं की गई। याद रहे कि डॉक्टर मोईद यूसुफ ने यह कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को अप्रोच करती है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उस वक्त तक हिंदुस्तान के साथ कोई डायलॉग में एंटर नहीं करेगा जब तक कि हिंदुस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में अपने जो इकदाम उठाए गए हैं उन्हें रिवर्स नहीं करेगा। डोमेसाइल लॉ जो वहां पर एक इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसे रोकेगा नहीं। वहां पर जिस किस्म का तशद्दुद है, जिस किस्म की कार्रवाइयां की जा रही हैं, उन्हें नहीं रोक सकेगा। डॉक्टर मोईद यूसुफ मुझे इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकेंगे? पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनाब डॉक्टर मोईद यूसुफ मुझे अब ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर मोईद यूसुफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोईद जी। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये मुझे वजाहत कर दें कि जो करण थापर के साथ जो आपका ये इंटरव्यू हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या था? ये था कि पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के इस हाईएस्ट लेवल पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पे आप ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के SAPM है, स्पेशल असिस्टेंट हैं टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इस लेवल पे इतनी क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट में इंडियन मीडिया के सामने पाकिस्तान का केस इससे पहले नहीं रखा गया, इसका क्या बैकग्राउंड है? देखें जी, पहले का तो मैं आपको तो वही बता सकता हूँ जो मेरा टेन्योर है, लेकिन मैं इससे शुरू कर देता हूँ कि ये जो आपने सवाल उठाया ना, यही मसला है। दिस एक्सप्लेन्स द प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम ये है कि इतनी ऑड बात लग रही है सबको, मेरे से दो दिन से सब ये पूछ रहे हैं कि ये इतना आपने ये क्या बात की, इतना खुल के बात की और वगैरह जो भी है। सो दिस मीन्स के we are not even used to making our points clearly. हम ये भी तैयार नहीं हैं या नहीं थे माजी में शायद, कि हमारी जो position है जब छुपाने को कुछ नहीं है तो सामने रखें। ये वही बात है मोहित, मैं अमरीका में देखा करता था कि पाकिस्तान का क्या नैरेटिव था, ये जी ये तो मुल्क दहशतगर्दी करता है बस, जो फौज चाहती है हो जाता है। इंडिया आता था, उनका ऑफिशियल आके यही बात करता था किसी थिंक टैंक में, किसी मीटिंग में, और अमेरिकन कहते थे बिल्कुल 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 वेरी गुड, ठीक है, एंड दैट वाज द एंड ऑफ इट। अब जब मैं सिस्टम के अंदर आया हूं, जब हमने चीजें देखी हैं, जहां चीजें जा रही हैं, जब भारत जा रहा है, वी सी नो रीजन एज ए सिस्टम नॉट टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। और मैं आपको ये वाजे तौर पर कहना चाहता हूं, मेरे बड़े क्लियर मार्चिंग ऑर्डर थे, बिल्कुल मेरे बॉस ने मुझे साफ बात की थी वजीर आजम पाकिस्तान ने, पीस। और आपने देखा होगा कि मैंने इस इंटरव्यू में कोई पता नहीं 20 दफा तो कहा होगा कि आगे की बात करो, हम तो अमन पे खड़े हैं, और हर सवाल था 12 साल पहले ये हुआ और 16 ये हुआ और 18 ये हुआ, बिकॉज दे हैव नथिंग टू से अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। जो वो कर रहे हैं पाकिस्तान में, मुझे मतलब आज वो आपने जवाब पढ़ा है उसमें जिक्र ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? बहरहाल देखिए, मुझे आई मे बी रॉन्ग, बट नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमने कोई एग्रेशन, बिल्कुल गो अहेड, मैं एक सवाल, प्रैग्मैटिक इंटरव्यू, मुझे तो कोई नहीं लगा कि एग्रेसिव इंटरव्यू था। उन्होंने अपने सवाल पूछे, उनका हक है, हमने जवाब दिए। बॉटम लाइन सादा सी है मोहित, इस वक्त पाकिस्तान अगर अपना नैरेटिव दुनिया को आज नहीं दे सकता, उस सिचुएशन में जो मोदी जहां खड़ा है, जो कर रहा है, जो कश्मीर में कर रहा है, जो पूरे खित्ते में कर रहा है,
जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मदद की है, उसके बाद जो पाकिस्तान इस वक्त अपने आप को आगे लेके जा रहा है एक सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप में, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात कर रहा है, अगर आज हम अपना नैरेटिव देने से डरते हैं तो फिर माजरत के साथ कभी भी नहीं ठीक हो सकता नैरेटिव। अच्छा, बहुत से सवाल जो है वो जहन में हैं, जिन लोगों ने आपका इंटरव्यू देखा है और आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हिंदुस्तान का फॉरन ऑफिस है उसका जवाब भी देखा है, जो उनकी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने भी दो दिन लगाए हैं सोच के, और दो दिन के बाद जो उन्होंने चीज कही है, उन्होंने सिर्फ एक चीज कही है, उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ टॉक्स की कोई ऑफर नहीं की है। तो हिंदुस्तान ने क्या पाकिस्तान को ऑफर की थी 5 अगस्त के बाद की बातचीत करते हैं, डायरेक्टली की थी या किसी और थर्ड कंट्री के थ्रू की थी? देखिए, मैं डिटेल में नहीं जाता, मेरा ख्याल ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा वो हाइप इसकी क्रिएट हो गई है। मुख्तलिफ तरीके होते हैं, फीलर्स आते हैं, कभी ये नहीं होता कि एक मुल्क फोन उठाता है दूसरे को, कहता है एडवर्सरियल मुल्क को चलो जी आप बात करें, वेरियस वे फीलर्स आते हैं, प्लॉसिबली डिनाइबल रखते हैं ममालिक वगैरह। देखिए, मैं तो ऑपोजिट बात कर रहा था उस इंटरव्यू में कि भाई अगर कोई फीलर आया तो बड़ी अच्छी बात है, इसका तो मतलब है उनको समझ आई है कि भाई जिस तरफ चल रहे हैं नहीं चल सकते, को बातचीत करनी पड़ेगी, उससे को रास्ता निकालना पड़ेगा, वेरी गुड। तो मेच्योर रिस्पांस तो ये होती, अगर डिनाई भी करना था, वो होती है कंपल्शन होती है ममालिक की, आपने डिनाई करना है बिल्कुल ठीक है, आप कहेंगे मैंने कोई फीलर नहीं दिया, ठीक है, हो सकता है जिसने मुझे कहा था वो गलत बयान नहीं कर रहा हो, डन, लेकिन क्योंकि बात हो गई है तो चलें जी बात करते हैं, आगे देखते हैं कहां जाना है। बट दोबारा आपको नजर आ गया माइंड सेट क्या है कि हमने पीछे को जाना है, हम तो सारा ये बर्मा, ये बात बहुत दिलचस्प है कि आपने ये बात बहुत दिलचस्प है डॉक्टर मोईन यूसुफ के, एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपने पहली दफा ये ऑन रिकॉर्ड कहा है हिंदुस्तानी मीडिया के सामने कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो हमला हुआ दहशतगर्दी का, उसके जो मास्टरमाइंड थे, उसके जो परपेट्रेटर्स थे, वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे और उनका हमारे पास एविडेंस है कि उनका रابطہ था इंडियन इंटेलिजेंस के साथ, तो इसका हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जवाब नहीं दिया जबकि दो दिन तक वो इस पर सोच विचार करते रहे, इसकी क्या सिग्निफिकेंस? आई मीन इट बीट्स मी ऑनेस्टली, मुझे नहीं पता, आई डोंट वॉन्ट टू से, मतलब मैं आई कॉन्ट रीड देयर माइंड, लेकिन मतलब आप खुद अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लें, आपने खुद ही वो सवाल उठा दिया आपके सामने, आपने भी नोटिस किया, सारों ने किया होगा, यू नो आई, मैं क्या कह सकता हूँ, आप मुझे बता दें आपका क्या ख्याल है। अच्छा, ये तो चले बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि आपके मार्चिंग ऑर्डर्स जो है वो बड़े क्लियर थे, आपके मार्चिंग ऑर्डर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से थे कि कोई चीज़ हमने अब रोकनी नहीं है, हमने अपना नैरेटिव जो है, हमने अपना आर्ग्यूमेंट और अपनी पोजीशन जो है वो हिंदुस्तान की मीडिया के सामने और दुनिया के सामने रखनी है। लेकिन खुद आप चूंकि अमरीका में बड़ी इंपॉर्टेंट पोजिशन पर रहे, वहाँ के जो मेन लीडिंग पॉलिसी थिंक टैंक है पब्लिक पॉलिसी का, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, आप उसमें रहे, और आपको एहसास है कि पाकिस्तान के बारे में एक मखसूस किस्म का नैरेटिव जो है वो वाशिंगटन की बेल्टवे में और वो जो एक डिसीजन मेकिंग सर्कल्स हैं और मीडिया उसमें पाया जाता है, और ये बहुत हद तक वही नैरेटिव है जो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंसिया, वहां की एस्टेब्लिशमेंट, वहां के इदारे, वहां का मीडिया क्रिएट करते हैं। हाल ही में तो दोस्तों यहां पर होता है पाकिस्तानी मीडिया के इस रिएक्शन का अंत। अब आपको बताता हूं इस वीडियो में मैं क्या समझाऊं, अगर आपको अच्छा लगे तो यहां से आप वीडियो आगे जारी रख सकते हैं और अगर नहीं लगता है तो आप वीडियो छोड़कर जा भी सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के इस वीडियो में आपने देखा होगा मोईन यूसुफ जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के पर्सनल एडवाइज़र हैं और एक फॉरेन अमेरिकन पाकिस्तानी है, तो इनका आपका कॉन्फिडेंस, आपको इनको देखिए, इनका कॉन्फिडेंस देखिए, आपको क्या लग रहा है? ये एक करण थापर के यूट्यूब चैनल में एक इंटरव्यू देने के बाद ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि भारत में इन्होंने कहीं अमेरिका से प्रेशर बनवाया है, ये ऐसा झूठ बोल रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि ये सीधा सीधा जो पाकिस्तान में अटैक्स हुए उनको लेकर भारत पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ये बहुत पुरानी आदत रही है, जब से पाकिस्तान बना है पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है उसे लेकर पाकिस्तानियों के दिमाग में एक ही नाम आता है, भारत। और मोईन यूसुफ खुले तौर पर यहाँ पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं जैसा कि उन्होंने करण थापर के इंटरव्यू में बोला था। और करण थापर को आप जानते होंगे एक बहुत ही बड़े कंट्रोवर्शियल पत्रकार हैं भारत के, अभी किसी बड़े मीडिया चैनल में काम नहीं कर रहे हैं, ये अपनी खुद की वेबसाइट या छोटे मोटे वेब पोर्टल जैसी न्यूज़ एजेंसियों के लिए काम करते हैं। तो करण थापर जो कि आपको पता है करण थापर ऐसे कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू लेने में माहिर हैं और करण थापर ऐसे ही काम करते हैं, आपने इनका इंसाइक्लोपीडिया या विकिपीडिया देखा होगा तो ऐसा आपको
पता चलेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत को पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करने चाहिए जब तक ये हमारे देश में टेररिज्म बंद नहीं करते हैं? और ये मोहित यूसुफ जैसे लोग, ये जो इतने पढ़े लिखे लोग, ऐसा खुलकर झूठ कैसे बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं कि भारत ने बैकडोर से पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि हमसे आप संबंध बहाल करें या बहाल करने की बात कही है, और पाकिस्तान साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, ऐसा भारत ने भी इनको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर होता है वीडियो का अंत। बाय बाय। प्लीज़ कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें।